सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। होली के दिन कीजिए इन उपायों को, हर इच्छा आपकी होगी पूरी। ज्योतिष शास्त्र में शिवरात्रि, होली, दीपावली और जन्माष्टमी, इन त्योहारों का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि होली के दिन किए गए इन उपायों को शीघ्र फल देने वाला बताया गया है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको करके आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं तथा अपने जीवन को धन, हर्ष और ऐश्वर्य से भर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सारांश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के माध्यम से आप तक सभी जानकारियां पहुंचती रहेंगी। होलिका दहन के दिन घर के मुखिया को होलिका में घी से भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात होली की 3 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे न केवल सभी कष्ट दूर होंगे, वहन घर में सुख और समृद्धि भी आएगी। होलिका दहन के दिन रात्रि में चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर पति पत्नी अगर चंद्रमा को अर्घ दें तो इससे पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। होली की सुबह बेल पत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से चढ़ाएं तथा उसके बाद पंचमेवे की खीर भी चढ़ाएं, मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। होली के दिन रात्रि 12 बजे के बाद पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं एवं साथ में सफेद तिल लेकर पीपल की 7 परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे इन तिलों को छोड़ते जाएं। इसके बाद पीपल को प्रणाम करके वापस घर आ जाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी भस्म जरूर लाएं। उसका टीका किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाते हुए पुरुष अपने मस्तक पर तथा स्त्री अपने गर्दन पर लगाए तो कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी, धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। होली के दिन जिस दिन रंग से खेलते हैं उस दिन सुबह स्नान के बाद लाल गुलाल लेकर सबसे पहले घर के मंदिर में देवी देवताओं को रंग लगाएं, फिर उस गुलाल को नए लाल कपड़े में रखकर तथा एक चांदी का सिक्का उसमें डालकर कलावे में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। धन लाभ होगा तथा धन रुकने भी लगेगा। होलिका दहन के बाद रात में वहां से आग लाकर उससे घर में गोबर के कंडे जलाकर उसमें नारियल की गिरी और गेहूं की बालियां भूनकर खानी चाहिए। इससे धन, यश और निरोगता की प्राप्ति होती है। कीजिए इन उपायों को होली के दिन और बनाइए अपने जीवन को समृद्ध। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।